हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे पादप कार्य की। सेकंड, इससे पहले हम पादप कार्य की फर्स्ट की बात कर रहे थे, तो पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड चलेगी, जिसका चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का जनरल इंट्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे, सभी सजीवों को अपनी जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यह ऊर्जा भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। पादप कार्य की, जिसके बारे में आप पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि पादप कार्यकी के जनक किसे कहा जाता है, स्टीफन एल्स। ध्यान रहे, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो आपको क्या बताना है, स्टीफन एल्स, कि पादप कार्यकी के जनक किसे कहा जाता है, स्टीफन एल्स को। अर्थात स्टीफन एल्स ने 1727 में बताया कि पादप होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी पौधे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, अर्थात वायु व प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अतः स्टीफन एल्स को पादप कार्य का जनक कहा जाता है। जोसेफ प्रिस्टले, ध्यान रहे, जिन्होंने ऑटो की खोज की, जिन्होंने ऑटो यानी ऑक्सीजन की खोज की, और इन्होंने बताया कि जंतुओं के द्वारा दूषित वायु होती है, उसे पादप क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, कि जंतुओं के द्वारा जो दूषित वायु है उसे पादप क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। प्रकाश संश्लेषण क्या है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसका महत्व तो क्या है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात करें, CO2 प्लस H2 इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2 प्लस O2। संतुलित करेंगे 6 और यहां पर 12 लगा देंगे, और प्रकाश की उपस्थिति में होगी क्लोरोफिल। यानी कार्बोहाइड्रेट ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार से उपचयी क्रिया है। उपचयी क्रिया अर्थात
उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? आपने पहले ही पढ़ा है उपापचयी बराबर अपचयी प्लस उपचयी, यानी अपचयी एक प्रकार से विघटनात्मक क्रियाएं होती हैं। ध्यान रहे, विघटनात्मक क्रियाएं होती हैं जबकि उपचयी होती हैं जो एक प्रकार से निर्माणात्मक या संश्लेषणात्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे इसके अंदर विघटन होता है, जैसे श्वसन एक प्रकार से कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है जिसके अंदर भोज्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणात्मक क्रिया है, अर्थात इसके अंदर सरल अणु मिलकर एक प्रकार से जटिल अणु का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रहे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, उपचयी क्रिया है, जिसके अंदर सरल अणु मिलकर एक जटिल अणु यानी CO2 व जल के सहयोग से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, उपचयी क्रिया है, अर्थात उपचयी क्रिया क्या होती है? जिनमें निर्माणात्मक होते हैं अर्थात संश्लेषणात्मक क्रियाएँ होती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, उपचयी क्रिया है। तो ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है? अपचयन, जिससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रहे, CO2 के अपचयन से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा और जल के अपघटन से ध्यान रहे क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है, अर्थात क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इसे हम ऑक्सीकरण, ध्यान रहे, इसे ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, यानी CO2 का क्या होगा? अपचयन होगा, जिससे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है तथा जल का अपघटन होता है, अर्थात जिससे क्या होगा? O2 का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार से कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनकी बात करेंगे। घटनाएं प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होंगी? पहली बात, नंबर एक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होता है। ध्यान रहे कि आप, क्योंकि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं घटनाओं को स्पष्ट कर रहा है, यहाँ आप ध्यान देंगे, आप CO2 की तरफ ध्यान दें, H2O की तरफ ध्यान दें, प्रकाश की तरफ आप ध्यान दें, यही एक प्रकार से घटनाओं को स्पष्ट करता है। तो यहाँ CO2 का क्या होगा? अपचयन होगा, जिससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी घटना क्या होगी कि इसके अंदर जल का क्या होता है? अपघटन होता है, जिससे O2 का क्या होता है? निर्माण होता है। नंबर तीन बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा के क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ध्यान रहे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो नंबर चार बात करें कि इसके अंदर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में होने वाली क्या है? घटनाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर, इसमें देख के आप बता सकते हैं कौन कौन सी घटनाएं होंगी। CO2 का क्या होगा? अपचयन होगा, जिससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? निर्माण होगा। जल का अपघटन होगा, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है।
तथा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया का महत्व। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का महत्व क्या है, महत्व के लिए आपको ध्यान इधर देना है, ध्यान रहे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के महत्व के लिए आपको इधर ध्यान देना है। तो नंबर एक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, अर्थात भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पहला महत्व कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, अर्थात अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो श्वसन के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो श्वसन के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। नंबर तीन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है जिससे प्रदूषण क्रिया दूर होती है, अर्थात गैसों का संतुलन बना रहता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के महत्व हैं, क्योंकि CO2 क्या की जाएगी, ग्रहण की जाएगी जिससे गैसों का संतुलन बना रहेगा, अर्थात प्रदूषण क्रिया क्या होगी, दूर होगी। तो महत्व के लिए आपको ध्यान इधर देना है, और घटनाओं की बात करें तो घटनाओं के लिए आप इसमें देख के ही आप घटनाएं बता सकते हैं। तो ध्यान रखें, घटनाओं के लिए आपको ध्यान इधर देना है और महत्व की बात करें तो उधर देना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको ध्यान रखना है। अभिक्रिया को देख के आप परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रहे प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है तथा CO2 और जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अर्थात हरे पादपों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना एक प्रकार से क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और उस क्रिया के अंदर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की आप परिभाषा भी दे सकते हैं कि हरे पादप होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में CO2 या जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। तो यह है प्रकाश संश्लेषण, अर्थात ये कैसी क्रिया है, उपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, उपचयी क्रिया है, जिसके अंदर एक प्रकार से सरल यौगिक मिलकर जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात यह ऑक्सीजन अपचयन भी क्रिया है। अर्थात इसके अंदर CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा जल का अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। अतः यह ऑक्सीजन अपचयन क्रिया भी है। तो ध्यान रहे, तो ये था प्रकाश संश्लेषण का एक सामान्य परिचय। इससे आगे हम बात करेंगे जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये अपने सामान्य परिचय प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया है, इसे आगे की क्लास में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।